गेरकुट खाजा बिलाल, अगर तेरी जी में दम है तो हुकूमत से पूछ कैसा हो रहा है फसादा, बल्कि पूछ तेरे में हिम्मत है तो तुम क्या है, क्या है, कितने धारकारी है सब मालूम हमारे। मेरे से फटके तू मेरे को ब्लॉक कर दिया तो आगे का तो छोड़ दे। ये बुड्ढे से पूछो भाई, किसकी भी माँ बहन के बारे में ऐसा बोलना सही है क्या पूछो, इससे पहले भी बोला बुड्ढे को ये। चंद लाइक पोटे खुश हो गए, वाह चिचा अपनी आखिरत खराब कर ले रहा है बुड्ढे, समझ जा अभी भी टाइम है देख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मेरा नाम मिर्ज़ा जहांगीर बेग, सदर इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज का ये वीडियो भाई, ये चड्डी गैंग के मेंबरों को एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाया भाई। सबसे पहले तो ये गिरगुट खाजा बिलाल, इन्हें एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया, कार में बैठा एक वीडियो निकाला, निकाल के आसिफाबाद का फसाद हुआ। वो फसाद के बारे में इन्हें हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में मजलिस से सवाल कर रहा, और हमारे सदर साहब नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में पूछ रहा है, इन्हें क्या कर रही मजलिस बोल के पूछ रहा है। या तो इन्हें नशा कर रहा, गांजा मार रहा, क्या कर रहा अल्लाह को मालूम। इन्हें सवाल करना था सीएम रेवंत रेड्डी से करना था, जो हुकूमत चला रहे। असल में क्या है, ये कांग्रेस की गुलामी करते करते ये कांग्रेस के गुलामा किससे सवाल करना किससे नहीं करना ये भी भूल गए। खैर, सवाल पूछ रहा उसका जवाब देना हमारे को आता, तेरे को हर जगह जवाब मिलेगा, समझा रहे गिरगुट, तेरी अगर जी में दम है तो सवाल हुकूमत से कर। ये कैसा हो रहा बोल के, इतने फसादात हो रहे, वो मस्जिद शहीद हो गई, पूछता रहे तेरे है रे तेरे में हिम्मत हो रे। खाली बंद कार में बैठ के वीडियो बनाना आसान है बेटे, समझे तुम क्या है, क्या है, कितने धारकारी है सब मालूम हमारे। खाली एक इफ्तेदाई के सदर से मेरे से फटके तू मेरे को ब्लॉक कर दिया तो आगे का तो छोड़ दे, समझा। फुकट में लॉ कॉलेज का परमिशन दिला दिए सदर साहब, जीले अपनी जिंदगी, मत करिए गुमराही के काम, समझ रहा पब्लिक को कुछ भी बोले तो पब्लिक सुन लेती, समझ रहा क्या और बट्टेबाज और एक है ये चड्डी गैंग का दूसरा मेंबर बुड्ढा चंदा चोर सलीम, वो एक नए नए वीडियो निकाल रहा बुड्ढा एक दो तीन दिन से, वो इनके वो नहीं करना, उनकी शादी नहीं करना, हा? इन्हें मुशाता बन गया। खैर बन क्या बनता बन रहे बुड्ढे, लेकिन एक कमेंट में भाई इसको एक बच्चा आके कुछ बोला तो उसकी अम्मा बहन पे चले गया, ये जलील बुड्ढा है। तो ऐसे बट्टेबाजा है ये बुड्ढे से पूछो भाई, किसकी भी माँ बहन के बारे में ऐसा बोलना सही है क्या पूछो, इससे पहले भी बोला बुड्ढे को ये, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या रे बोले तो, मेरे को बेटियां नहीं है बोलता, पूरे बेटे बेटों को पैदा करा के तेरे, तेरे को जो पैदा करी अम्मा वो भी औरत है ना रे बुड्ढे, तेरे घर में जोरू नहीं है रे बुड्ढे, भवा नहीं है रे, और क्या खाता रे, नारी पाए वाए बदनाम कर रहा, गोबर खाता रे बुड्ढे तू, गोबर का है तू, समझा। ये जलालत सोशल मीडिया पे लाके किसकी भी माँ बहन के बारे में बोला तो फिर अच्छा नहीं रहता देख, समझा रे बुड्ढे होशियार हो जा। अरे कितने दिन है रे मस्जिद को जा, अल्लाह अल्लाह कर, कई कूरे तेरे को ये, हाँ चंद लाइक पोटे खुश हो गए, वाह चिचा अपनी आखिरत खराब कर ले रहा है बुड्ढे, समझ जा अभी भी टाइम है देख, समझा। किस पे भी इल्जाम लगाने से पहले सोच, मर के जवाब देना है, समझ लो। और एक है ये ओल्ड सिटी की आवाज बल्कि लौंडा है ये सफदर अली, उसको इससे पहले भी वीडियो बना के बोला था भाई, इसको बोले बीजेपी का एजेंट कौन बोल के एक प्रोग्राम बना दिया, एक क्या की चैनल चला रहा अक्षर दाम क्या की बोल के, इसके जितने भी 70% तो फॉलोअर्स बीजेपी के है हमको मालूम, इसको बीजेपी वाले प्रमोट कर रहे, हाँ क्या बोलता बोल, तो इन्हें क्या बोल रहा उसमें बीजेपी का एजेंट कौन बोल के, मोदी है सो तनख्वाह दे रहा, अमित शाह दे रहा बोल के, क्या की बोल रहा लौंडा, पढ़ा लिखा जाहिल है रे तू, समझा। टैक्स पेयर का पैसा है रे, आवाम का पैसा है रे, सैलरीज मिलते सो उन लोगों को, खुद भी पब्लिक के पैसे से सैलरी लेते रहे लौंडे, क्या बोलना चाह रहा तेरे को, हम एक सवाल करे तू 2019 में बीजेपी का मेंबर बना नहीं बना, तेरे खुद पोस्ट के ऊपर से हम निकाल के पब्लिक के सामने लाए, तो नंबर एक का दलाल तू है बीजेपी का, आरएसएस का काम कर रहा तू, ये हम आवाम के सामने लाके छोड़े।
तो तू बात को घुमाने के लिए ये पैंतरे चल रहा रहे लौंडे, समझा? कुछ चलने वाले नहीं है, अवाम होशियार है, अवाम समझदार है, अवाम को भी बोलना, ओल्ड सिटी की अवाम को बोलना चाह रहा हूं भाई, खबरदार रहो ये लौंडे से। इसका एम, इसका काम एक ही है, सिर्फ तनकीद करना, जमात को बदनाम करना, हमारे सदर साहब नकीब मिल्लत के बारे में, सदर साहब के बारे में गैर गलत बोल के अवाम को गुमराह करना, इसको ये काम पे लगाए। तो इससे होशियार रहने की जरूरत है भाई। लौंडे तेरे को एक ओपन चैलेंज है, तो कौन सा चैनल चला रहा तू, उसके ऊपर ये डिबेट कर लेंगे 1-to-1। अगर जी में दम है तो आ जा, क्या चीज का जवाब होना तेरे को हम देने को तैयार है, समझा? वहां तक कहां जा रहा रे तू, ऐसा चाप के थूक देते तेरे को हम लंच, समझा रे? वो स्कूलों के बारे में, वो हैड्रा को, ऐसा हैड्रा अच्छा काम कर रही है, हैड्रा को बाप बना लिया है, और गरीबों का तोड़ दिया तो उनकी हाय बदवा से कहां चले आते रे तुम्हारा, नहीं समझ रहा? समझ जा, अभी भी टाइम है, पढ़ा लिखा हूं जाहिल है नंबर एक का तू, समझ गया? पब्लिक को, अवाम को भी होशियार रहने की जरूरत है भाई। ये मीर सादिक मीर जाफर के औलादा, ये बीजेपी के दलाला एजेंटा अपने बीच में है। और एक बात, गिरगुट खाजा बिलाल, अगर तेरी जी में दम है तो हुकूमत से पूछ कैसा हो रहा है ये फसादा मुल्क, पूछ तेरे में हिम्मत है तो, नहीं तो समझूंगा तू भी फुस है, समझ गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।